हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 09। प्लांट किंगडम का जो लेक्चर नंबर 08 था, वहाँ पर हमने क्लास थियोफाइसी को पूरा इन डेप्थ डिस्कस किया था, और आज के क्लास में हम लोग रोडोफाइसी को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर आपका आज के लेक्चर के बाद आपका पूरा एल्गी का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो जा रहा है। आप देख ही चलते हैं, मैंने बाल भी कटवा लिए, थोड़ा घर में इश्यूज चल रहा है अभी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर आज के बाद पूरा फ्रीक्वेंटली पूरा टाइम टू टाइम वीडियो लेक्चर आपके पास ज़रूर पहुँच जाएगा। तो फिर सभी अपने पेन कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हूँ शायन मजुमदार और आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो फिर चलिए हम आज का पहला टॉपिक शुरू कर लेते हैं, जो कि है रोडोफाइसी। सभी हेडिंग दे लीजिए रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का पहले ही हम हैबिटेट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, रोडोफाइटी इज मेनली फाउंड इन फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। चलिए लिख देंगे इसे हैबिटेट इसका हो जाएगा फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। अभी देखिए, यहाँ पर एक चीज आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, फ्रेश वाटर के पीछे आप देखिए बगल में लिखा हुआ है सम, और मैराइन वाटर के पीछे मोस्टली लिखा हुआ है। आपके एनसीईआरटी बुक में खोल के देख लीजिए, यही लिखा हुआ है। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा रेड एल्गी होगा या फिर रोडोफाइसी होगा, इट इज रेयरली फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड इट इज मोस्टली फाउंड इन मैराइन वाटर। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, इट इज रेयरली लिख देंगे, फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मोस्टली। चलिए मैं अभी आपको एक ऐसा रेड एल्गी का एग्जाम्पल देता हूं जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। हमारे पास ऐसा एक रेड एल्गी हो जाएगा, बैट्रैकोस्पर्मम। बैट्रैकोस्पर्मम एक ऐसा रेड एल्गी है जो कि एक्चुअली पूरे रेड एल्गी का ही एक्सेप्शन है बहुत बड़ा, क्योंकि वो एक तो फ्रेश वाटर में पाया जाता है और दूसरा उसके बॉडी का कलर भी रेड नहीं होगा। देखिए, जब भी मैं रेड एल्गी बता रहा हूँ तो फिर रेड एल्गी क्या, उसमें जो एल्गी पाया जाएगा उसका बॉडी का कलर रेड होगा। पर बैट्रैकोस्पर्मम एक ऐसा रेड एल्गी है जिसका बॉडी का कलर ब्लू होता है, तो फिर उसको लिख देंगे अभी बैट्रैकोस्पर्मम एक ऐसा रेड एल्गी है जिसका बॉडी का कलर भी ब्लू होगा और वो रेड एल्गी का एक्सेप्शन है। इसको लिख देंगे और ये एक एक्सेप्शन है। अभी हम लोग रेड एल्गी का पिगमेंट के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि इसके बॉडी में कौन कौन सा पिगमेंट है। देखिए, मैंने पहले ही अभी आपको बोला कि रेड एल्गी का बॉडी का कलर रेड होगा, तो फिर आपको क्या लगता है, वो क्या बिमल खाता है, बिमल खा लिया और उसके बॉडी का कलर रेड हो गया, ऐसा क्या होता है? ऐसा नहीं होता। तो फिर रेड एल्गी में एक स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट होगा, जिसे हम कहते हैं आर फाइक्रोइरिथिन। Because of the presence of R-phytoerythrin, the color of the red algae is red. The color of the red algae is red due to presence of R-phytoerythrin pigment. देखिए, तो फिर इसमें कौन कौन सा pigment present होता है? एक तो बोल दिया R-phytoerythrin, and other pigment will be chlorophyll A and chlorophyll D. Chlorophyll A, chlorophyll D and R-phytoerythrin are the pigment present in red algae. चलिए लिख देंगे इसको भी, हमारा हो जाएगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड आर फाइक्रोइरिथिन। आर स्मॉल में होगा, आई फाइक्रोइरिथिन इज द पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड एल्गी। अभी आर फाइक्रोइरिथिन के बारे में दो बातें लिख लेंगे कि फर्स्ट, इट इज द प्रीडोमिनेंट रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड एल्गी, एंड The reason behind the body color of the red algae is R-phytoerythrin, red pigment.
रीजन बिहाइंड रेड कलर ऑफ द रेड एल्गी। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बोल सकते हैं कि रेड एल्गी इज फाउंड इन क्लोज टू द सर्फेस इन ओशंस, इट इज फाउंड इन क्लोज टू द सर्फेस एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशन। अभी देखिए क्लोज टू द सर्फेस हम लोग जब बोल रहे हैं वहाँ पर वेल लाइटेड रीजन हो रहा है क्योंकि ओशन के सर्फेस में सभी वेवलेंथ ऑफ लाइट पहुँच सकते हैं, पर जब लोग हम लोग बोल रहे हैं कि इट इज फाउंड इन ऑल्सो ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशन, ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशन में बहुत कम वेवलेंथ ऑफ लाइट पहुंच सकता है, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं हेयर लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स, मतलब इट इज फाउंड इन वेल लाइटेड रीजन एंड इट इज फाउंड इन प्लेसेस वेयर लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। तो फिर हम लोग बोलेंगे फाउंड इन वेल लाइटेड रीजन। अच्छा, वेल लाइटेड रीजन मतलब क्लोज टू द सर्फेस एंड प्लेसेस वेयर लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। मतलब ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशन। इट इज फाउंड इन ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशन। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बोल सकते हैं द रेड थैली ऑफ द रेड एल्गी इज मल्टीसेलुलर, मतलब रेड एल्गी में जो थैलस प्रेजेंट होगा दैट विल बी मल्टीसेलुलर। थैली का मतलब तो आपको पता है, थैली या फिर थैलस का मतलब रूट लाइक स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एल्गी में रेड एल्गी में जो रूट लाइक स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जो थैली पाया जाएगा दैट विल बी मल्टीसेलुलर। रेड थैली इन रेड एल्गी विल बी हमारा हो जाएगा मल्टीसेलुलर। रेड थैली इन रेड एल्गी इज मल्टीसेलुलर। तो फिर आप पहले इतना पॉइंट जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन कर लूंगा। उसके पहले मिटाने से पहले आपके लिए और एक बार चलिए डिविजन कर देता हूँ। देख लीजिए रेड एल्गी का या फिर रोडोफाइसी का पहले हैबिटेट डिस्कस करते हैं। हैबिटेट में मैंने क्या बोला, इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर मैराइन वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। फ्रेश वाटर में मैंने बोला इट इज़ रेयरली फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर में मोस्टली पाया जाता है। आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जो फ्रेश वाटर में ब्रैटाकोस्पर्मम एक एग्जाम्पल है जो कि फ्रेश वाटर में रेड एल्गी पाया जाता है, वो एक ऐसा एग्जाम्पल बन जाता है हमारे पास। फिर हम लोग रेड एल्गी का पिगमेंट डिस्कस कर लेंगे। देखिए रेड एल्गी में मोस्टली जो पिगमेंट पाया जाता है दैट विल बी अल्फा हाइड्रोक्सीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। द रेड कलर ऑफ द रेड एल्गी विल बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सीन, ये आपका पूरा पिगमेंट का वाला पॉइंट बन जाता है। फिर हम लोग डिस्कस किए इट इज फाउंड इन वेल लाइटेड रीजन एंड इट इज फाउंड इन प्लेसेस वेयर लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स, मतलब वेल लाइटेड रीजन मतलब क्लोज टू द सर्फेस एंड लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स मतलब बताइए इन द ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशन। इट इज फाउंड क्लोज टू द सर्फेस एंड इट इज फाउंड इन प्लेसेस ऑफ ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशन। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि रेड थैली एल्गी में जो रेड एल्गी में जो थैलस प्रेजेंट होगा, जो रेड थैली प्रेजेंट होगा इट विल बी मल्टीसेलुलर। तो फिर आप इन पॉइंट को अभी जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करूंगा। चलिए आई थिंक अभी तक आप सभी लोगों ने ये सारा चीजें लिख लिया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूं। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कि सम रेड एल्गी हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ रेड एल्गी ऐसा हो सकता है कि जिनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होगा। तो फिर हम लोग लिखेंगे सम एल्गी हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। कि ऐसा एल्गी का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास पॉलीसिफोनिया एक ऐसा एल्गी बन जाता है जहां पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा। तो फिर हम लोग लिख लेंगे पॉलीसिफोनिया एक ऐसा रेड एल्गी है जिससे हम ब्रोमीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फिर हम लोग लिखेंगे वी कैन एक्सट्रैक्ट ब्रोमीन फ्रॉम पॉलीसिफोनिया,
We can extract bromine. अभी हम लोग देख लेंगे food stored. अभी हम लोग देख लेंगे food stored in red algae. Food stored red algae में कौन कौन से फॉर्म में food stored होगा? Red algae में जो food stored होगा that will be in the form of Floridian starch. Floridian starch का अभी composition क्या है? Floridian starch will be made up of amylopectin and glycerol. Floridian starch will be made up of amylopectin and glycerol. Food stored in the form of Floridian starch. अभी Floridian starch का composition भी लिख देंगे. It will be amylopectin and glycerol. चलिए अभी हम रेड एल्गी के फ्लैजिला के बारे में डिस्कस कर लेंगे. देखिए सरप्राइजिंगली क्योंकि मैंने पहले जो दो क्लास पढ़ाए थे आपके जो है ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी वहाँ पर मैंने फ्लैजिला का स्टेटस बताया था, पर यहाँ पर कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट ही नहीं होगा, यहाँ पर फ्लैजिला एबसेंट होगा. तो फिर हम लोग लिख देंगे फ्लैजिला इज एबसेंट, पर जो बाकी दो क्लास मैंने पहले पढ़ाया था वहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट था, वहां पर फ्लैजिला प्रेजेंट था, पर रेड एल्गी में कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा. हम लोग लिख देंगे फ्लैजिला एब्सेंट, विल बी एब्सेंट. अच्छा अभी कुछ ऐसा रेड एल्गी है, जिन्हें हम फूड की तरह यूज कर सकते हैं. दोज आर एडेबल. द एग्जांपल ऑफ अ एडेबल रेड एल्गी विल बी पोरफायरा. पोरफायरा इज अ रेड एल्गी जिन्हें हम खा सकते हैं. इट इज अ एडेबल रेड एल्गी. सम आर एडेबल, वैसा हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा पोरफायरा. फिर हम इसके सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर लेंगे. देखिए इसका सेल वॉल कैसा होगा. द सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर. सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज पेक्टिन एंड हमारा हो जाएगा पॉलीसल्फेट एस्टर. पॉलीसल्फेट एस्टर. फिर हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में रेड एल्गी के, चलिए रिप्रोडक्शन के बारे में अभी हम डिस्कस कर लेंगे. तो सभी हेडिंग दे लीजिए रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गी. रेड एल्गी के रिप्रोडक्शन में हम तीन टाइप के रिप्रोडक्शन पाते हैं. कैसे? जैसे हो गया है हमारा वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल. देखिए इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विल बी इन रेड एल्गी विल बी वाया फ्रैगमेंटेशन. वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन हमारे पास हो जाएगा विल बी वाया फ्रैगमेंटेशन. तो फिर चलिए पहले उसे लिख लेते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विल बी वाया फ्रैगमेंटेशन. अभी यहाँ पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, दैट विल बी वाया नॉन मोटाइल स्पोर. दैट विल बी वाया नॉन मोटाइल स्पोर. नॉन मोटाइल स्पोर का मतलब पहले जो दो क्लासेस में एल्गल क्लासेस में बताया था वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी वाया जोस्पोर, मतलब जोस्पोर का मोटिलिटी रहता है, पर यहाँ पर नॉन मोटाइल स्पोर पाया जाता है. यहाँ पर जोस्पोर एब्सेंट होगा. इन रोडोफाइसी जोस्पोर विल बी एब्सेंट बिकॉज यहाँ पर एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा विल बी वाया नॉन मोटाइल स्पोर. अच्छा जो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन हमारा होगा वाया नॉन मोटाइल स्पोर, और हमारे पास जो स्पोर जो होगा वो एब्सेंट होगा. जो स्पोर हमारा एब्सेंट हो जाएगा. अभी हम देख लेंगे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखिए इन रेड एल्गी इन रोडोफाइसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी वाया उगैमस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन, मतलब यहां पर हमारा उगैमस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन देखा जाएगा. अभी जो यहाँ पर एक स्पेशल केस देखा जाएगा जो कि इसका गैमेट का मोटिलिटी के बारे में है, यहाँ पर जो मेल गैमेट फॉर्म होगा दैट विल बी स्मॉल
एंड नॉन मोटाइल दैट विल बी स्मॉल एंड नॉन मोटाइल एंड फीमेल गैमेट जो फॉर्म होगा दैट विल बी नॉन मोटाइल एंड लार्ज। यहाँ पर और एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, सुन लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा दैट विल बी वाया ओगैमस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन, दैट विल बी वाया ओगैमस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन। एंड जो यहाँ पर मेल गैमेट फॉर्म होगा दैट विल बी स्मॉल एंड नॉन मोटाइल, एंड जो फीमेल गैमेट फॉर्म होगा दैट विल बी लार्ज एंड नॉन मोटाइल। चलिए अभी हम इसको लिख देंगे यहाँ पर नीचे से ही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बोला, विल बी वाया ओगैमस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन, ओगैमस टाइप और जो हमारा मेल गैमेट फॉर्म होगा दैट विल बी नॉन मोटाइल एंड लार्ज एंड स्मॉल। जो मेल गैमेट फॉर्म होगा दैट विल बी नॉन मोटाइल एंड स्मॉल, एंड जो हमारा फीमेल गैमेट फॉर्म होगा, जो हमारा फीमेल गैमेट फॉर्म होगा दैट विल बी नॉन मोटाइल एंड लार्ज। चलिए ये इसका कुछ गैमेटिक फ्यूजन के बारे में हो गया। अभी आप एक चीज मुझे बताइए, अगर मेल गैमेट नॉन मोटाइल हो गया तो फिर इसका फीमेल गैमेट के पास कैसे पहुंचेगा एंड फ्यूजन जो है, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कैसे होगा, ये बताइए आप। क्योंकि मेल गैमेट तो यहाँ पर नॉन मोटाइल है, वहाँ पर जो बाकी दोनों क्लास था वहाँ पर मेल गैमेट मोटाइल था। आप लोग अच्छी तरह से याद कीजिए या फिर पिछला नोट देख लीजिए कि मेल गैमेट जो बाकी दोनों क्लास था जो कि ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी है वहाँ पर मेल गैमेट विल बी मोटाइल, बट यहाँ पर जो मेल गैमेट फॉर्म हो रहा है दिस इज नॉन मोटाइल। तो यहाँ पर ट्रैवल कैसे करेगा, यहाँ पर ट्रैवल कैसे करेगा बताइए। देखिए यहाँ पर मेल गैमेट विल बी ट्रांसफर टू फीमेल गैमेट या फिर फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस विल बी वाया वाटर करेंट, विल बी वाया वाटर करेंट, विल बी वाया वाटर करेंट। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेल गैमेट स्विम करेगा, यहाँ पर मेल गैमेट स्विम करके फीमेल गैमेट के पास पहुँच जाएगा, यहाँ पर मेल गैमेट स्विम करके फीमेल गैमेट के पास पहुँच जाएगा। पहुँच के क्या होगा, पहुँच के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विल बी वाया हेल्प ऑफ वाटर करेंट। इसको एम का काम करता हूँ, ऐसे एरो देके लिख देता हूँ, आप इस चीज़ को थोड़ा समझ लेना कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास कैसे पहुँच रहा है वाया वाटर करेंट, वाया वाटर करेंट। चलिए ये आपका लगभग कंप्लीट हो गया रोडोफाइसी का पूरा पार्ट। अभी एक और पॉइंट बताना है, पहले आप इन सभी चीज़ों को लिख लीजिए फिर मैं वो लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लूँगा। चलिए इसको जल्दी से अभी लिख लीजिए। अभी देखिए यहाँ पर जो जाइगोट फॉर्म्ड हो रहा है, यहाँ पर जो जाइगोट मतलब गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बाद गैमेट के फ्यूजन के बाद जो जाइगोट फॉर्म्ड होगा दैट विल बी कॉम्प्लेक्स। जो जाइगोट फॉर्म होगा उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं द जाइगोट फॉर्म विल बी कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, दैट्स वाई आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑकर्ड इन रोडोफाइसी। हम लोग लिखेंगे कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑकर इन रोडोफाइसी। हम लोग लिखेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हमारे पास प्यारा सा जाइगोट फॉर्म होगा दैट विल बी कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। ड्यू टू दिस रीजन हम लोग लिख देंगे कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस ऑकर। चलिए
ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट रोड ऑफ आईसी का पार्ट। अभी आपके एनसीईआरटी बुक में शायद टेबल 3.1 ही होगा, वहाँ पर पूरा तीन क्लासेस का ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, तीन क्लासेस को अच्छी तरह से क्लासिफाई करके उनके कैरेक्टर शॉर्ट करके डिस्कस किया हुआ है। चलिए अभी हम इसको मिटाएंगे एंड वो पूरा टेबल ड्रॉ करके अभी के अभी समझ लेंगे, तो फिर इसको अभी जल्दी से लिख लीजिए। चलिए आपके एनसीईआरटी बुक में अभी जो टेबल 3.1 दिया हुआ है उसको पूरा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में फ्लैजिला के बाद एक हैबिटेट का भी कॉलम होगा, पर यहाँ पर स्पेस के अभाव से मैं उसको हैबिटेट को नहीं लिखूंगा, पर उसको आपकी हर क्लासेस के बाद हैबिटेट को वर्बली आपको बता दूंगा। तो चलिए अभी टेबल 3.1 को पूरा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अभी क्लोरोफाइसी, जो हमारे पास क्लोरोफाइसी है उसका कॉमन नेम क्या होगा? क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, क्लोरोफाइसी को हम लिखेंगे ग्रीन एल्गी। हम फियोफाइसी को कौन से कॉमन नेम से जानते हैं? हम लोग फियोफाइसी को बोलेंगे ब्राउन एल्गी। फिर हम रोडोफाइसी को कौन से नेम से जानते हैं? हम लोग रोडोफाइसी को बोलेंगे रेड एल्गी। अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे मेजर पिगमेंट के बारे में। जो हमारे पास क्लोरोफाइसी आ जाएगा वहाँ पर मेजर पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है? वहाँ पर पिगमेंट प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी विल बी प्रेजेंटेड क्लोरोफाइसी। क्लोरोफिल हमारे पास हो जाएगा ए एंड बी। क्लोरोफिल ए एंड बी विल बी प्रेजेंटेड क्लोरोफाइसी। अभी जो फियोफाइसी है वहाँ पर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा? फियोफाइसी में प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फूकोसैंथिन। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फूकोसैंथिन विल बी प्रेजेंट इन फियोफाइसी। इसको लिख देंगे ए सी एंड फूकोसैंथिन। अभी जो रेड एल्गी है, जो रेड एल्गी है वहाँ पर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा? जो रेड एल्गी है वहाँ पर पिगमेंट प्रेजेंट होगा हमारा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड आर फाइक्रो इरिथ्रिन। क्लोरोफिल ए, ए क्लोरोफिल डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। चलिए अभी हम लोग वेरियस क्लासेस का फूड स्टोर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इन क्लास क्लोरोफाइसी फूड विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इन क्लास क्लोरोफाइसी हम लोग लिख देंगे फूड विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अभी इन क्लास फियोफाइसी, इन क्लास फियोफाइसी फूड विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेमिनारिन एंड मैनिटॉल। लेमिनारिन एंड मैनिटॉल, लेमिनारिन एंड मैनिटॉल इज द फॉर्म ऑफ फूड स्टोरेज इन फियोफाइसी। अभी रोडोफाइसी को क्या लिखेंगे? इन रोडोफाइसी फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। अभी चलिए क्लोरोफाइसी का हम लोग जो सेल वॉल कंपोजिशन है उसको जान लेते हैं। इन क्लोरोफाइसी सेल वॉल विल बी मेड अप ऑफ सेलुलोज। यहाँ पर सेलुलोज लिख देंगे। अभी इन फियोफाइसी द सेल वॉल विल बी मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड देयर विल बी आउटर लेयर ऑफ, देयर विल बी आउटर लेयर ऑफ एल्गिन। सेलुलोज प्लस एल्गिन। अभी इन रोडोफाइसी, इन रोडोफाइसी सेल वॉल विल बी मेड अप ऑफ सेलुलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। सेलुलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। चलिए लिख लेते हैं सेलुलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। अच्छा ठीक है, अभी हम चलिए वेरियस क्लासेस का फ्लैजेला के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे प्लस क्लास क्लोरोफाइसी है वहाँ पर कौन सा फ्लैजेला प्रेजेंट होगा? देयर फ्लैजेला विल बी 2 to 18 नंबर। फ्लैजेला विल बी 2 to 18 नंबर दैट विल बी इक्वल। फ्लैजेला विल बी इक्वल। इक्वल फ्लैजेला का मतलब, इक्वल फ्लैजेला का मतलब है फ्लैजेला सेम टाइप का। दो फ्लैजेला जो प्रेजेंट होगा वो सेम टाइप का प्रेजेंट होगा। दैट कैन बी आइदर टेंसिल, दैट कैन बी आइदर व्हिप्लैश, बट दोनों फ्लैजेला का टाइप सेम होगा। फिर हम लोग लिखेंगे फ्लैजेला के पोजिशन के बारे में। फ्लैजेला विल बी एपिकल इन क्लास क्लोरोफाइसी। फ्लैजेला विल बी एपिकल इन क्लास क्लोरोफाइसी। चलिए हम लोग पहले लिखेंगे 2 to 8 इन नंबर, फिर हम लोग लिखेंगे
इक्वल, फिर हम लोग लिखेंगे एपिकल। चलिए एक रफ थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं। अगर ये हमारा क्लोरोफाइल हो जाएगा तो फिर ऐसे करके फ्लैजेला, एपिकल फ्लैजेला ऐसे प्रेजेंट होगा। ये आपका बन जाता है एपिकल फ्लैजेला। चलिए अभी हम लोग जो हमारा फियोफाइसी है उसके फ्लैजेला के बारे में डिस्कस कर लेंगे। जो क्लास फियोफाइसी है, वाफल फ्लैजेला विल बी टू इन नंबर, वाफल फ्लैजेला विल बी टू इन नंबर एंड फ्लैजेला विल बी अनइक्वल। अनइक्वल फ्लैजेला इज प्रेजेंट इन क्लास फियोफाइसी। अनइक्वल फ्लैजेला इज प्रेजेंट इन क्लास फियोफाइसी। फियोफाइसी में अनइक्वल फ्लैजेला होगा एंड फ्लैजेला जो पोजिशन होगा, फ्लैजेला का जो पोजिशन होगा दैट विल बी लेटरल। लेटरल फ्लैजेला इज प्रेजेंट इन क्लास फियोफाइसी। ये आपका एनसीक्यू फॉर्म में जरूर जरूर पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैजेला विल बी टू इन नंबर, फिर हम लोग बोलेंगे अनइक्वल, मतलब जो दो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा दैट विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप। जो दो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा दैट विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप। एक अगर टेंसिल हुआ तो एक हो जाएगा हुई फ्लैश, एक अगर टेंसिल हुआ तो और एक हो जाएगा हुई फ्लैश। चलिए लैटरल, अभी एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर देते हैं प्यारा सा। द बोथ द फ्लैजेलास आर नॉट ऑफ सेम टाइप, दो फ्लैजेलास आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। और इसका पोजीशन भी देखिए लैटरली ड्रॉ किया हूं तो फिर पोजीशन लैटरल हो जाएगा, अनइक्वल एंड टू इन नंबर। अभी जो रोडोफाइसी है उसका तो सबसे डिफिकल्ट याद रखना है, उसका तो फ्लैजेला याद रखना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पर फ्लैजेला होता ही नहीं है। यहाँ पर फ्लैजेला विल बी एब्सेंट इन क्लास रोडोफाइसी, फ्लैजेला विल बी एब्सेंट। तो फिर चलिए इसको लिख देते हैं एब्सेंट। ये आपका कंप्लीट हो गया फ्लैजेला के बारे में। फिर मैंने जैसे बोला आपको हैबिटेट के बारे में लिख देंगे। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर तो और कोई लिखने का चांसेस है नहीं, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। चलिए जो हमारे पास क्लोरोफाइसी आएगा अगर उसका हैबिटेट के बारे में बताना है तो फिर क्या बता सकते हैं। क्लोरोफाइसी का हैबिटेट या फिर क्लोरोफाइसी हमारे पास पाया जाएगा फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर या फिर मैराइन एनवायरनमेंट या फिर ब्रैकिश वाटर। इन तीनों जगह पर, फ्रेश वाटर, मैराइन एनवायरनमेंट एंड ब्रैकिश वाटर, तीनों जगह पर हमारा क्लोरोफाइसी हमें मिल जाएगा। फिर हम जब फियोफाइसी के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर हम बताएंगे फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। पर फ्रेश वाटर में फियोफाइसी रेयरली मिलता है, फ्रेश वाटर में फियोफाइसी रेयरली मिलेगा, फ्रेश वाटर में फियोफाइसी रेयरली मिलेगा, पर ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में जनरली मिल जाएगा हमारे पास जो फियोफाइसी है। अभी हम रोडोफाइसी के बारे में अगर बताएं, रोडोफाइसी कहाँ कहाँ मिलेगा, रोडोफाइसी भी मिलेगा फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। फ्रेश वाटर में सम ऑफ द रोडोफाइसी, फ्रेश वाटर में सम ऑफ द रोडोफाइसी आर फाउंड एंड जो हमारा सॉल्ट वाटर या फिर मैराइन वाटर है वहाँ पर रोडोफाइसी इज मोस्टली फाउंड, रोडोफाइसी इज मोस्टली फाउंड इन सॉल्ट वाटर या फिर मैराइन वाटर। तो फिर चलिए ये आपका पूरा टेबल जो 3.1 था वो मैंने पूरा आपके सामने डिस्कस कर लिया, तो फिर आप इसे एक बार जल्दी से देख लीजिए। आई थिंक अभी तक आप सभी लोगों ने ये सारा चीज़ें लिख लिए होंगे एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव टेकन द नोट्स ऑफ टुडेज लेक्चर। मैंने आज रोडोफाइसी के बारे में जो भी बताया एंड ये टेबल 3.1 भी लास्ट में डिस्कस किया, जो भी आज क्लास में पढ़ाया वो सब आप अच्छे तरह से अपने नोट कॉपी में नोट कर लिए होंगे। एंड अगर आपको क्लास समझने में, अगर आपको मेरा लेक्चर समझने में ज़रा सा भी दिक्कत हुआ होगा तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करें। मैं आपके पर्टिकुलर डाउट को नेक्स्ट वीडियो का जो लास्ट सेक्शन होगा वहाँ पर कवर कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।